आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की ओर। निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद से समाजवादी पार्टी मंथन करने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से आज बैठक बुलाई गई थी जिसमें कई पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। वहीं कल फिर समाजवादी पार्टी ने मुख्यालय पर बैठक बुलाई है जिसमें 2 MLC सीटों पर मंथन होगा। इस बैठक में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बताते चले कि 29 मई को यूपी में उपचुनाव होने हैं, जहां एमएलसी के 2 उम्मीदवार चुने जाएंगे। एमएलसी के 2 जो चयनित हैं वो चुने जाएंगे, जिसके लिए समाजवादी पार्टी अब लगातार मंथन कर रही है। कल 11 बजे नामों पर मुहर भी लग जाएगी। कल 11 बजे जो नामों का ऐलान है वो भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कर लिया जाएगा, जिससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में जो तमाम कई नाम सामने आ रहे हैं उस पर चर्चा होगी, फिर उस पर मुहर लगाई जाएगी। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां एक तरफ निकाय चुनाव में हार पर मंथन करते हुए नजर आएंगे, तो 2 MLC प्रत्याशियों की घोषणा भी कर देंगे। कल 11 बजे से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में नामों पर चर्चा होगी और नामों पर फाइनल मुहर लगाते हुए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कल तकरीबन सुबह 11 बजे मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नामों का भी ऐलान कर देंगे। तो निकाय चुनाव में मिली हार के बाद सपा जहां एक तरफ मंथन कर रही है, तो वहीं 29 मई को विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी नामों पर लगातार मंथन कर रही है। तो भाजपा ने अपने 2 MLC उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और इन 2 MLC उम्मीदवारों के बाद अब सपा के जो उम्मीदवार हैं उसका इंतजार पूरी प्रदेश की जनता कर रही है कि आखिर समाजवादी पार्टी की तरफ से इस उपचुनाव के मैदान में किसे उतारा जाएगा, जिस पर भी लगातार अब कई जो बड़े नाम है वो भी सामने आ रहे हैं। और कल 11 बजे अब इस नामों पर मुहर लग जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़े हैं। विभांशु, एक तरफ निकाय चुनाव में मिली हार पर मंथन, तो दूसरी तरफ जो 2 MLC है उनके नामों पर मंथन, और क्या कुछ ऐसे अहम मुद्दे रहे जिस पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बैठक करते हुए नजर आए? जी मुस्कान, आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर सपा दफ्तर में आज एक समीक्षा बैठक की गई, जिस बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और साथ ही साथ मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत कई बड़े नेता शिरकत किए। साथ ही साथ आपको बता दें कि विधान परिषद के भी सदस्य और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सपा विधायकों ने भी इस बैठक में सम्मिलित हुए और साफ तौर से 2024 को लेकर पार्टी को कैसे खड़ा करना है, स्थापित करना है, इन सब विषयों पर चर्चा की गई। मुस्कान, अगर बात की जाए तो इसमें आने वाले 29 मई को उत्तर प्रदेश में 2 विधान परिषद के 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नामों का ऐलान कर दिया गया। और अब बात करें तो समाजवादी पार्टी अब कहीं ना कहीं आज नामों पे चर्चा की है, मगर नामों को कहीं ना कहीं बाहर नहीं अभी तक सपा ले आई है बाहर। अगर बात करें तो हमने देखा था कि जो भाजपा है उन्होंने अपने 2 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो क्या उन प्रत्याशियों के ऐलान का जो समाजवादी पार्टी है वो इंतजार कर रही थी कि पहले भाजपा का नाम सामने आ जाए फिर उसके बाद हम अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे? मुस्कान, अगर बात की जाए तो नगरीय चुनाव निकाय चुनाव के बाद आज पहली दफा समाजवादी पार्टी के अंदर में एक बैठक की गई, विचार विमर्श किया गया। और बात करें तो सपा इस बार कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर एक अलग तरह के चाल चलते हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है, क्योंकि बात करें तो लोकसभा के अगर मद्देनजर देखा जाए तो ये दोनों सीटें कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर बात की जाए तो विधान परिषद के अंदर में अभी कोई विपक्ष नहीं है। अगर बात करें तो विधान परिषद के अंदर में 10% सीट जिसके पास होती है वो विपक्ष की कुर्सी पर बैठता है। सपा के पास अभी लगभग 9 सीटें हैं, महज 9 सीटें पाकर विपक्ष दल कहीं ना कहीं बनने में वो पीछे है। अगर 2 सीट में से 1 सीट भी सपा निकालती है तो
वो विपक्ष की कुर्सी पर विधान परिषद में संभाल सकेगी। तो कहीं ना कहीं सपा के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं सपा के नेता और कार्यकर्ता हताश है और वो आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी और कहीं ना कहीं तमाम धांधलियों की बात कर रहे हैं, मगर ये जांच का विषय है। अब बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में विधान परिषद को जो 29 मई को चुनाव होने वाले हैं, इसमें सपा को महज कम से कम एक सीट जीत कर और बिल्कुल विभाषु अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो निकाय चुनाव के नतीजे आए उससे कहीं ना कहीं जो सपा के कार्यकर्ता है वो हताश है, निराश है और लाजमी भी है उनका हताश और निराश होना। लेकिन क्या ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा ने चुनावी प्रचार किया सपा की तरफ से उस लेवल का प्रचार नहीं किया गया, यही वजह है कि जो सपा का नतीजा है वो काफी विपरीत आया उनकी सोच के? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आपने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से लेकर और एक ग्राउंड लेवल का पन्ना प्रमुख या बूथ अध्यक्ष तक बीजेपी का इस चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ अपने पार्टी के समर्थन में वोट मांगते हुए नजर आया, मगर समाजवादी पार्टी इस चुनाव में कहीं ना कहीं प्रचार का जो उनका सिलसिला रहा है वो बेहद भाजपा की तुलना में बेहद कमजोर नजर आया है, जिसका कहीं ना कहीं नतीजों पर भी असर है। अगर बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री दर्जनों से ऊपर सभाएं किए और वहां पर भाजपा को पॉजिटिव रिस्पांस मिला। वहीं अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महज 5 सभाओं को संबोधित किए और कहीं ना कहीं सपा को इस चुनाव में पूरी सक्रियता के साथ उतरना चाहिए और जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक से लेकर जिला पंचायत सदस्य से लेकर तमाम जो छोटे बड़े पद होते हैं उन सभी पदों की एक जिम्मेदारी के तहत प्रचार प्रसार का अभियान की शुरुआत की थी, मगर समाजवादी पार्टी में ये बिल्कुल देखने को नहीं ठीक है। विभांशु, जैसे कि अभी आपने अभी हमारे दर्शकों को लगातार बताया कि आज एक सपा की महत्वपूर्ण बैठक की गई और निकाय चुनाव में हार के बाद ये पहली बैठक है जो की गई है और इसमें मंथन भी किया गया है बैठकों में कि किस तरीके से आगे की रणनीति तय होगी, तो उस बैठक में कौन कौन से दिग्गज नेता मौजूद रहे? जी अगर बात की जाए तो इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेता शिरकत किए। अगर बात की जाए तो तमाम विधायकों को कल फिर से बुलाया गया है और कल फिर एक बैठक की जाएगी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। आपको बताएं मुस्कान की कल 11 बजे से सपा के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर में एक बैठक और रखी गई है जिसमें कहीं ना कहीं 2024 चुनाव और आगामी निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर मंथन किया जाएगा। आपको बताएं कि आज इस बैठक में अधिकांश विधायक और विधान परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे, मगर कल की बैठक बड़ी बैठक होगी जिसमें सपा के सभी विधायक विधान परिषद के सदस्य एवं सांसद भी मौजूद हो सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि निकाय चुनाव में हार के बाद आज पहली बार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें निकाय चुनाव के परिणामों पर मंथन किया गया और ये भी तय किया जाने का प्रयास किया गया कि आखिर 2024 को लेकर अब समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी। तो निकाय चुनाव की जीत से गदगद हुई बीजेपी अब आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट गई है। दरअसल बीजेपी अब विशिष्ट परिवारों के साथ चाय पर चर्चा करेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी ने सभी लोकसभा सीटों पर अपने विधायकों सांसदों से घर घर जाने के निर्देश दिए हैं। तो निकाय चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद अब यूपी में जो भाजपा है वो लगातार एक्टिव हो गई है 2024 के चुनाव से पहले। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो 2024 की तैयारियों की शुरुआत होगी वो लखनऊ से की जाएगी, यानी कि यूपी की राजधानी से की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियों का दौर जारी है। तो वहीं लोगों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए भी जो भाजपा के दिग्गज नेता है वो नजर आएंगे, जिसके लिए सांसद और विधायकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अब जुटती हुई दिखाई दी है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन जनपद स्तर से लेकर के पूरे देश भर में होगा, तो वहीं अब एक और दिशा निर्देश आलाकमान ने जारी किया है लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर कि जितने भी विधायक है और जितने भी सांसद है वो घर घर जाए, लोगों से मुलाकात करें और चाय पर चर्चा भी करते हुए दिखाई दें।
तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है और लगातार ये कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत यूपी से की जाएगी, तो यूपी में किस तरीके से जो तैयारियां है वो भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा की जा रही है? बिल्कुल, यह तैयारियां जरूरी है क्योंकि मुस्कान चुनाव भी कर्नाटक का है, वो हार गई है, कहीं ना कहीं उसको एक टीस भी होगी और रणनीति यहाँ बेहतर करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में अगर सफलता बेहतर मिल जाती है इसका लाभ आपको मिलता है और केंद्र में आपको सरकार बनाने में समस्या नहीं आती है। बीजेपी को लगातार उत्तर प्रदेश में जो मिल रहा है वो बीजेपी के लिए सफिशियंट है, बेहतर है और बीजेपी इस चीज़ को जो उनको परिणाम मिले हैं पहले भी उन परिणामों को लगातार दोहराना चाहती है और चाहती है कि उस परिणाम से भी हम बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर करें। उसकी कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी यहाँ पर 30 मई से लेकर 30 जून तक अभियान चलाने वाली है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा क्षेत्र में जो सभाएँ होंगी, अगर सभाओं की बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे, गृहमंत्री भी आएंगे, बलवर सांसद भी करेंगे, जेपी नड्डा भी करेंगे, मुख्यमंत्री भी सभा करेंगे, डिप्टी सीएम भी यहाँ सभाएं करेंगे। इसके अलावा 4 पर चर्चा अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 250 से ज़्यादा जो विशिष्ट परिवार है, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शहीद का परिवार हो, चाहे उद्योगपति हो, विशिष्ट परिवार हो, खिलाड़ी हो, कलाकार हो, उनके परिवारों को आमंत्रित किया जाएगा, उनके साथ चाय पर चर्चा होगी, संवाद स्थापित किया जाएगा, नीतियाँ बताई जाएंगी। क्योंकि जब आप समाज के विशिष्ट लोगों को अगर आप अपने साथ में ले लेते हैं तो कहने के उसका लाभ आपको चुनाव में मिलता है। बीजेपी फिलहाल कोई कोर कसर ना छोड़ते हुए तमाम तरह के अभियान यहाँ पर शुरू करने वाली है। ठीक है, बिल्कुल गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि चाय पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी और जाहिर सी बात है कि जो गणमान्य लोग हैं समाज के उनके साथ ही चर्चा होगी। तो यूपी में किन किन लोगों का नाम सामने आ रहा है जिसको भाजपा कार्यालय पर बुलाया जाएगा या यूं कहे कि चाय पर चर्चा के लिए बुलाया जाएगा? देखिए, नाम अभी किसी का मुस्कान स्पष्ट नहीं हुआ है, पर यह कहा गया है कि जो खिलाड़ी हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, जो कलाकार हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, इसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, बड़े उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या शहीद हैं कि परिवार के लोग हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, जो डॉक्टर है उनको आमंत्रित किया जाएगा, जो शिक्षक है उनको आमंत्रित किया जाएगा। तो तमाम से 7 से 8 जो वर्ग हैं उनको यहाँ आमंत्रित करके उनसे बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी, चाय पर चर्चा होगी, उनका योजना और नीति पहुँचाई जाएगी। और जब ये वर्ग आपके साथ में आएगा, बुद्धिजीवी वर्ग आपके साथ में आएगा, कहने के इसका आपको लाभ मिलेगा। और मुस्कान, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी बीजेपी अगर हम 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, तो बुद्धिजीवी वर्ग का सम्मेलन कराए थे, तमाम वर्गों के सम्मेलन कराए थे और जो समाज के तमाम विशिष्ट लोग हैं उनके साथ लगातार बीजेपी के संपर्क स्थापित बना रहता। जी बिल्कुल गौरव, अभी आपने चाय पर चर्चा का जिक्र तो किया और ये भी कहा कि तमाम जो विधायक है, जो सांसद है, वो चाय पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे और ये अभियान जाहिर सी बात है देशव्यापी अभियान होगा क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो ऐसे में जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, क्या वहां भी इस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन होगा? क्या वहां पर भी चाय का जो चर्चा है, कार्यक्रम है, वो रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मुस्कान, सबसे महत्वपूर्ण बात है लोकसभा चुनाव है, आम चुनाव है, कोई विधानसभा चुनाव तो यहाँ पर है नहीं, लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर सभी राज्य महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पर बीजेपी सरकार है वहाँ पर बीजेपी पूरी प्रमुखता से अभियान चलाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात है जहाँ बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पर उस अभियान को बहुत संजीदगी के साथ, बहुत गंभीरता के साथ चलाना होगा। अगर आप परिणाम बेहतर चाहते हैं, अगर वहाँ विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो लोकसभा चुनाव में वहाँ कोई लापरवाही न बरती जाए, तो जहाँ पर सरकार नहीं है वहाँ पर बीजेपी को कोर कसर ना छोड़ते और बेहतर अभियान को चलाएगी और शुरुआत तो प्रदेश करने जा रही है, कहीं ना कहीं इस अभियान का लाभ यहाँ पर मिलता नजर आएगा। क्योंकि अगर मुस्कान हम बात करें, जनसभाओं की बात करें, सम्मेलन की बात करें, तो तमाम चुनाव अभी हमारे आपके सामने हुए हैं, 14 चुनाव की बात करें, 17 चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की बात करें, 22 चुनाव की बात करें, तमाम तरह के सम्मेलन बीजेपी द्वारा कराया गया, चाहे मुस्लिम वर्ग को लेकर हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग को लेकर हो, चाहे दलित वर्ग को लेकर हो, चाहे ओबीसी वर्ग को लेकर हो, चाहे सामान्य वर्ग का लेता हो, अलग अलग वर्ग के सम्मेलन कराए थे, उसका लाभ भी बीजेपी चुनाव में मिला था। कहीं कहीं यहाँ पर अव्यवस्थित करते तरीके से काम करते हो, रणनीति के हिसाब से काम करने का बीजेपी विचारधारा करने जा रही है, 1 महीने का 2 महीने का टारगेट लेकर चलेगी, उत्तर प्रदेश में टारगेट लिया गया है, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इस तरह के अभियान चलाए जाते रहेंगे। बिल्कुल गौरव, अभी आपने जिक्र किया है कि अभियान हर एक राज्य में चलाए जाएंगे, देश भर के जितने भी हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले अभी भाजपा की रास्ता बिल्कुल भी जो रहा है वो आसान नहीं है क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो उस विधानसभा चुनाव के लिए क्या इस मंथन में जो बैठकें होंगी, जो मंथन किया जाएगा, क्या उस पर भी रणनीति बनाई जाएगी? देखिए मुस्कान, विधानसभा चुनाव की अपनी नीति है, निकाय चुनाव की अपनी नीति है, लोकसभा चुनाव की अपनी नीति है। अगर मैं आपको बता दूं, अभी हाल में जो चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश चुनाव हुए थे,
उसके अलावा अगर हमारे राजस्थान के चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ चुनाव हुए थे, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार हार गई थी। मध्यप्रदेश हालांकि 6 महीने बाद कमलनाथ सरकार को हटाकर वहाँ पर दोबारा सरकार बीजेपी ने बनाई थी, पर अगर वहाँ की लोकसभा सीटों की बात करें मुस्कान, तो वहाँ लोकसभा सीटें बीजेपी जीत कर आई थी, अग्रणी भूमिका में आई थी और वहाँ बीजेपी को खासी लोकसभा सीटें मिली थी। तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव को ना देखते हुए ये व्यवस्था नहीं बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टी विधानसभा चुनाव हारी है तो वो आम चुनाव भी हारेगी। और छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश के नतीजे स्पष्ट कर दिए थे कि अगर विधानसभा चुनाव बीजेपी हारी थी और तो वहाँ पर जरूरी नहीं है कि लोकसभा चुनाव भी वहाँ पर नुकसान हो, और मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को खासी सीटें वहाँ पर मिली थी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जल्दबाजी होगी कि अगर विधानसभा चुनाव हारी है तो अब बीजेपी नुकसान हो सकता है। बीजेपी नई कवायद, नई रणनीति से आगे बढ़ेगी और देखा जा सकता है कि जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव के अलग होते हैं, बेहतर हमेशा होता रहता है। अगर हम बात करें तमाम उत्तर प्रदेश के तमाम जो जिले हैं वहाँ पर बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा में अच्छा नहीं रहा है, पर अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की है, तो यहाँ पर केवल ये बात बोलना कि विधानसभा चुनाव में वहाँ हार के आए तो वहाँ नुकसान होगा, ये बहुत जल्दबाजी होगी मुस्कान। बिल्कुल गौरव, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा पूरी तरीके से कमर कसते हुए जुट गई है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने का समय बाकी रह गया है। तो यही वजह है कि जो भाजपा के दिग्गज नेता है, जो कार्यकर्ता है, अब वो जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं आज सुबह से ही देश भर के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। एनआईए की छापेमारी यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और एमपी के जिले में हुई है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में ये छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम लखनऊ में विकास सिंह देवगढ़ की तलाश करने आई थी। विकास सिंह को खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है, जिसकी तलाशी के लिए आज एनआईए की टीम लगातार सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई करती हुई दिखाई दी। तो वही यूपी के साथ देश भर के कई राज्यों में सुबह से ही एनआईए की छापेमारी से हड़कंप भी मचा हुआ है। तो यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। तो एनआईए की छापेमारी से हड़कंप भी मच गया है। आपको बताते चले कि विकास की तलाश में ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये विकास वही है जिसे खालिस्तानी का समर्थक बताया जाता है। खालिस्तान समर्थक की तलाश में एनआईए की ये छापेमारी देखने को मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, आज दिन की शुरुआत होते ही जो एनआईए की टीम है वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई और ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। छापेमारी की कार्रवाई यूपी में किन किन जिलों में हुई है? जी मुस्कान, आपको बता दूं कि ये छापेमारी जो है तकरीबन सुबह 5 बजे से स्टार्ट हुई है एनआईए की छापेमारी, और इसमें स्थानीय पुलिस की मदद भी ली गई है। और बता दूं आपको, लखीमपुर से लेकर बाराबंकी, लखनऊ और तमाम जो 7-7 जिले हैं, कम से कम 7 से 9 जिलों में छापेमारी की गई। विकास सिंह यही है जिसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी ताल्लुकात रहा है और इसमें खालिस्तानी गैंग से भी ताल्लुकात होने की बात कही जा रही है। कुल मिला के जो है ये विकास सिंह जो है हथियार का बहुत बड़ा सप्लायर है और ये बम, गोले, बारूद जो भी है मुहैया करवाता था तमाम गैंग को। और इसमें कहीं ना कहीं देखिए, अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या हुई थी इसमें भी उसका नाम जोड़ा गया था। तो कुल मिला के लखनऊ पुलिस के साथ साथ जो एनआईए की टीम है संयुक्त ऑपरेशन किया गया, लेकिन विकास सिंह जो है गोमती नगर इसका आवास है, वहां पर ये बरामद नहीं हुआ। और आपको बता दूं कि हाल ही में पिछले 2 दिन पहले ही इसकी माँ की मौत हुई थी और माँ की मौत में शामिल भी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कहीं ना कहीं खबर लग जाती है तो ये वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद लखनऊ में टीम आती है एनआईए की, वहां पर इसकी छापेमारी की प्रक्रिया चलती है। उसके बाद ये अभी तक फिलहाल जो है विकास सिंह की तलाश में पुलिस, यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है। ठीक है, बिल्कुल सागर, तो ये लगातार छापेमारी की कार्रवाई तो जारी है, लेकिन विकास कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और जाहिर सी बात है कि जो पुलिस ने इसके आवास पर छापा मारा होगा तो तमाम तरीके के जो सामान है वो भी बरामद किए गए होंगे। तो क्या अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आए हैं कि जो छापेमारी में क्या कुछ बरामद किया गया है? बिल्कुल, तो हम सागर से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको बता दें कि यूपी समेत कई राज्यों में आज छापेमारी का दौर लगातार देखने को मिला है। तो खालिस्तान समर्थक की तलाश में ये एनआईए की छापेमारी की गई है, जिससे पूरे देश भर में हड़कंप मच गया। दरअसल विकास सिंह नेगी की तलाश में ये छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, अभी आपने जिक्र किया कि यूपी के कई जनपदों में ये कार्रवाई देखने को मिली विकास सिंह नेगी की तलाश के मद्देनजर, ये एनआईए की जो छापेमारी की कार्रवाई है देखने को मिली। विकास सिंह नेगी तो नहीं मिला, लेकिन छापेमारी में और क्या कुछ बरामद किया गया है?
जी मुस्कान, आपको बता दूं कि एनआईए की छापेमारी सुबह के दौरान हुई थी और सुबह उसके एनआईए की जो टीम है वो गोमती नगर विस्तार में यहाँ पे उसके घर पहुंचती है, तो वहां पर उसका किराएदार मिलता है और किराएदार से पूछताछ होती है, तो किराएदार बताता है कि वो विकास सिंह नेगी जो है वो मुश्किल से 3 से 4 बार महीने, या फिर कहिए कि 3 से 4 महीने में एक बार वहां पर आता है। उसके बाद एनआईए की टीम लगातार कम से कम 8 से 9 जिलों में छापेमारी करती है यूपी के, लेकिन वहां पर भी इसकी तलाश में जो है एनआईए की टीम को कहीं ना कहीं एक मान के चलिए कि कहीं एक पूरी तरह से एनआईए की टीम जो है वहां पर निफर साबित होती, क्योंकि विकास सिंह नेगी की जो सूत्र है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको पहले ही पता चल जाता है कि जो एनआईए की टीम है उसके पीछे लगी है, उसके बाद जो है वो फरार हो जाता है वहां से। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता अगर विकास सिंह नेगी को पकड़ लेती है एनआईए की टीम तो बहुत बड़ी सफलता साबित होगी, क्योंकि इसके पीछे कई हत्याकांड के जो सिलसिले हैं लगातार जोड़े भी जा रहे हैं, और जो सिद्धू मूसेवाला जो कांड हुआ था उसके बाद तमाम जो कांड हुए हैं, तो कहीं ना कहीं विकास सिंह नेगी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक तरफ खालिस्तानी जी बिल्कुल सागर, अब यहाँ पर दो मामलों को मिलाना भी काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने के लिए पुलिस पहुंचती है उसके लिए छापेमारी की कार्रवाई की जाती है, तो उस दौरान भी गुड्डू मुस्लिम को पहले से पता चल जाता है और वो फरार हो जाता है। और आज यही विकास सिंह नेगी के साथ भी हुआ, जब जो एनआईए की टीम है छापेमारी के लिए पहुंची तो वहां से विकास सिंह नेगी फरार हो गया। तो आखिर पुलिस का जो इनपुट है, या यूं कहे कि कितना बड़ा फेलियर कहा जाए कि छापेमारी से पहले ही इन अपराधियों को पता चल जाता है और ये फरार हो जाते हैं। जी मुस्कान, आपने बहुत बेहतर सवाल पूछा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए एक पुलिस का खुफिया तंत्र होता है, एसटीएफ होती है, एटीएस होती है, तमाम तंत्र होते हैं, उसके बावजूद भी इन जैसे अपराधी जो बड़े अपराधी हैं इनको सूचना मिल जाती है कि पुलिस इन पर हाथ फेरने वाली है या फिर इन्हें पकड़ने वाली है, तो उससे पहले ये मौके से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस का फेलियर तो माना भी जा रहा है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जब ऐसे इस इन जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधी जो है फरार हो जाते हैं मौके से, तो कहीं ना कहीं देखिए पुलिस का फेलियर तो बहुत बड़ा माना जाता है। और पुलिस का जो इनपुट है, मुखबिर तंत्र है, वो भी सतर्क नहीं है, क्योंकि अगर माना जाएगा मुस्कान तो देखिए मुखबिर तंत्र पे ही पुलिस काम करती है, चाहे वो एटीएस हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो मुखबिर तंत्र पे काम करती है। जब मुखबिर तंत्र अगर सतर्क नहीं है तो कहीं ना कहीं देखिए मैं मान सकता हूं, मैं कहना चाहूंगा प्राइम टीवी के जरिए से कि ये पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की बात की जाए और चाहे तमाम जो भी हाल ही में जो अपराध हुए हैं उनकी बात की जाए और ये विकास सिंह नेगी की बात की जाए, तो वो लोग फरार हो जाते हैं पुलिस के नाक के नीचे से और पुलिस के आने से पहले, तो कहीं ना कहीं देखिये ये बहुत बड़ा फेलियर है पुलिस के लिए और यूपी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा फेलियर साबित होता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सागर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एनआईए की छापेमारी से कहीं ना कहीं हड़कंप आज पूरे देश भर में देखने को मिला, तो वहीं यूपी के भी कई जनपदों में ये छापेमारी की कार्रवाई जारी तो थी और कई घंटों तक ये कार्रवाई चली भी, लेकिन एक बार फिर से एनआईए की टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, क्योंकि विकास सिंह नेगी फिलहाल अभी भी एनआईए की टीम की गिरफ्त से बहुत दूर है। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य महकमे में बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य मंत्री ने औरैया जनपद के अपर मुख्य चिकित्सक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारी को विभाग की छवि धूमिल करने और काम में लापरवाही की वजह से सस्पेंड किया गया है। वही ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए एक्शन मोड में नजर आते हैं। कभी वो सिविल यूनिफॉर्म में अस्पताल पहुंच जाते हैं बिना सुरक्षा के, तो कहीं वो लगातार जो हॉस्पिटल है वहां पहुंचते हैं और वहां की जानकारी लेते हुए दिखाई देते हैं। तो वही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्वीट करते हुए इस पूरे मामले की जानकारी दी है कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जाहिद हमारे साथ जुड़े हैं। जाहिद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार एक्शन मोड में नजर आते हैं, तो वही औरैया में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी मैं मुस्कान आपको बता दूं कि औरैया में डिप्टी सीएम द्वारा जो बात पर उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी को निलंबित किया गया तत्काल प्रभाव से उसकी कार्यशैली अच्छी न होने के कारण। वही इस संबंध में जब हमने औरैया सीएमओ से बात की गई है तो उनका कहना है कि हमारे कोई पास कोई लेटर ऐसा नहीं आया है जिससे कि मैं बता सकती हूँ कि निलंबित किया गया क्या कारण रहा है। उन्होंने कोई कुछ जवाब नहीं दिया है। वो ही उन्होंने कहा जब मेरे पास सरकार के द्वारा लेटर आता है तो मैं उसको जवाब। जाहिद, क्या
जो सस्पेंड किया गया है अधिकारी को, क्या इसके खिलाफ कभी कोई और एक्शन लिया जा चुका है पहले, या पहले कोई कंप्लेंट दर्ज की गई है? मुस्कान, मैं बता दूं आपको कि अभी किसी किस्म के इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं, किसको सस्पेंड किया गया, कौन अधिकारी यहाँ पर तैनात है, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने का कहना सब यही रहा कि हमारे पास कोई सूचना नहीं आई थी, साथ ना कोई लेटर नहीं आया। उन्होंने केवल एक ट्वीट के माध्यम से, जो डिप्टी सीएम द्वारा एक ट्वीट किया गया अखबार के माध्यम से, उनको जानकारी दी, इसके अलावा कोई जानकारी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि आप औरैया क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की स्वास्थ्य जो सुविधाएं है उसका भी हाल आपको बखूबी पता होगा। क्या वाकई में आपको औरैया जो अस्पताल है वहाँ पर लापरवाहियों का अंबार देखने को मिलता है जब आप कभी अस्पताल पहुँचते हैं तो? अस्पताल की कैपेसिटी है और ये पता सही की बात कर सकते हैं हम, तो वहाँ पर कभी इस भारी गर्मी के मौसम में लोग अपने हाथों से पंखे की जगह अपने हाथों से पत्थर जलती हुए नजर आता है, कभी चादरें गंदी मिलती है, कहीं कहीं वो सब गंदगी अंबार लगा रहता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अस्पताल जहां पर लोगों का इलाज होता है, जहां पर लोग अपने बच्चों को, अपने बूढ़े जो बुजुर्ग है उनको लेकर के पहुंचते हैं, वहां पर गंदगी का अंबार रहता है, तो क्या इससे पहले कोई शिकायत नहीं की गई है? जी हाँ, आपको बता दूं उससे पहले भी कई बार शिकायत की गई है, और हमारे यहाँ जो डॉक्टर सीएमओ है राजेश मोहन गुप्ता जी, इसके खिलाफ भी विजेश पाठक जी द्वारा एक ट्वीट किया गया था, इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाने की बात की गई थी, जिस तरीके गंदगी का अंबार लगा हुआ है और काफी साफ सफाई व्यवस्था नहीं जाती, इसको लेकर ब्रिजेश पाठक डिप्टी सीएम द्वारा भी एक ट्वीट किया गया था। बिल्कुल, धन्यवाद जाहिद हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल औरैया के अस्पताल में गंदगी का अंबार है और लापरवाही की वजह से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए ट्वीट करते हुए जानकारी दी है, और उन्होंने इस कार्रवाई के जरिए ये बताने का साफ तौर पर प्रयास किया है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स लापरवाही करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।